नमस्कार, गोले ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शेखर सक्सेना। आपने कई टैलेंट शोज देखे होंगे, उनमें कई करतब देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको लाइव एक ग्राउंड रिपोर्ट पर लेके आए हैं, जहां पर एक 14 बटालियन के आरक्षक हैं सुनील यादव जी, और इन्हें 14 बटालियन के कई लोग बाहुबली सुनील यादव भी बुलाते हैं। तो सर, आपका गोले ब्रेकिंग में स्वागत है। नमस्कार जी। तो सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको ये शौक कब से चालू हुआ? सर, ये शौक मुझे सन 2015 में चालू हुआ था जी। और कई लोग जिम करते हैं, लेकिन आपको कब पता पड़ा कि मुझे जिम के अलावा इन सब चीज़ों में भी शौक है और मैं ये कर सकता हूँ? जब बटालियन की जिम में मैं मुझे लगाया गया था ट्रेनिंग के रूप में, तो वहाँ मैं कसरत और कई तरह की एक्सरसाइज करता था, जिससे मुझे मालूम पड़ा कि मैं ज़्यादा हैवी वेट उठा लेता हूँ, तो मुझे लगा कुछ नया करना चाहिए। तो फिर मैं यूट्यूब पर जब गया तो स्टील मैन करके एक पंजाब में, तो उसको देख के, उसकी वीडियो देख के मुझे लगा कि मैं भी कर सकता हूँ। ऐसे मैंने स्टंट की तैयारी करी थी। फिर तो लगभग आपने क्या क्या स्टंट कर चुके हैं और किन किन चीज़ों के आप वीडियो बना चुके हैं? अभी तक मैंने अपने कंधों पे 2 मोटरसाइकिल उठाई हैं, अपने पेट से स्कॉर्पियो निकाली है, और 14 मोटरसाइकिल अपने हाथों से रोकी हैं अभी तक। अच्छा। और सीने पे 2.5 क्विंटल का पत्थर तोड़ा है, और ऐसे कई स्टंट किए हैं खतरनाक मैंने। तो लगभग इन सब चीज़ों के लिए आपको दिन भर में कितनी ट्रेनिंग लगती है, कितने अपनी मेहनत लगानी पड़ती है? पूरे दिन में करीबन 4 घंटे, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को ट्रेनिंग करना पड़ती है। और क्या आपका मन नहीं करता किसी कंपटीशन वगैरह में आप पार्टिसिपेट करें? हाँ, मन तो करता है कि किसी में अच्छे मंच पर जाके मैं ये सबको दिखाऊँ, अपना टैलेंट एक आप किसी मंच पर दिखा सकें, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे सर? वो बस ऐसे ही थोड़ा सा ड्यूटी रहती है ना मेरी, तो इस विभाग को नहीं छोड़ सकता मैं। अच्छा। क्योंकि इसी से मेरा घर चलता है ना, तो इसलिए यहीं पे कर लेता हूँ, इतना ही बहुत मिलता है। तो आप हमारी ऑडियंस को अभी कुछ करके दिखा सकते हैं सर? हाँ, मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल, ठीक है, लाइक। तो चलिए सर का कुछ टैलेंट देखते हैं, यहाँ पर क्या करके दिखाएंगे सर आज आप? अभी मैं वैसे ये स्टंट मैंने पहली बार किया है, इससे पहले मैंने ना कोई प्रैक्टिस करी थी ना मैंने कभी सोचा, मगर कल मैंने सोचा तो मैं सोच रहा हूँ यही करके दिखा दूँ मैं। 4 गाड़ियाँ जो 4 व्हीलर खड़ी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर, और भैया इनको अपने दांतों से खींचने वाले हैं जी। ये देखिए, 4 स्विफ्ट, 2 स्विफ्ट, 1 i20 और 1 क्रेटा गाड़ी खड़ी है। चलिए देखते हैं भैया कैसे खींचते हैं। ये देखिए, इनने ये अपने दांतों में रस्सी फंसा रखी है, और ये गाड़ी बिना स्टार्ट के पूरी तरह खींचते हुए हमारे बाहुबली सुनील यादव। ये देखिए, हर किसी में ये टैलेंट नहीं होता है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, 1, और ये हमारी दूसरी गाड़ी स्विफ्ट, ये तीसरी i20, और ये लगभग लगभग काफ़ी खींच दी है भैया ने यहाँ पर। चलिए उनसे जानते हैं और भी कुछ चीज़ें। भैया कैसा लग रहा आपको 4 गाड़ी इकट्ठी एक बार दांत से खींचने में? काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। अच्छा, और इससे पहले आपने कितनी कितनी बार कोशिश करी इन गाड़ियों को खींचने की? ये पहली बार 4 गाड़ियाँ खींची मैंने, पहली बार ही कोशिश करी है। हाँ, अच्छा। इससे पहले ट्रक खींचा था दांतों से मैंने। ट्रक खींचा हुआ? हाँ।